राजस्थान रोडवेज के संयुक्त मोर्चा संगठन के बैनर तले रोडवेज कर्मचारियों ने प्रदर्शन किया, जिसमें उनकी मुख्य मांग में सातवें वेतनमान को समय रहते लागू करने की रही। कर्मचारी नेताओं ने कहा कि रोडवेज कर्मचारियों को सातवें वेतन का लाभ नहीं मिला, जबकि सरकार ने अन्य विभाग के कर्मचारियों को यह लाभ दे दिया है। इसके अलावा करीब 7 माह से कर्मचारियों को वेतन का भुगतान नहीं किया गया है, जिसकी वजह से कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति दयनीय हो गई है। दूसरी तरफ रोडवेज की बसें खराब है, जिससे यात्रियों और ड्राइवर कंडक्टर को काफी खामियाजा भुगतना पड़ता है। रोडवेज को करीब 15 नई बसों की आवश्यकता है, लेकिन रोडवेज में कर्मचारियों का अभाव है, जिसके लिए सरकार को 9000 भर्ती करनी चाहिए। उल्लेखनीय है कि रोडवेज कर्मचारियों की 11 सूत्री लंबित मांगों को लेकर यह प्रदर्शन किया गया। देखिए, ऐसा है, आज पूरे राजस्थान की रैली जयपुर में होने वाली थी, इसमें रोडवेज के 53 डिपोज हैं, इसके अलावा सेंट्रल वर्कशॉप्स हैं, सबके कर्मचारी वहाँ पर लगभग 8-10 हज़ार इकट्ठे होने वाले हैं। उस रैली के डर की वजह से गृह मंत्रालय द्वारा आदेश जारी किए गए पुलिस को, उन्होंने परमिशन नहीं दी। हम सरकार से पूछना चाहते हैं कि जिस प्रदेश के अंदर 26 लाख परीक्षार्थी, उनका इंतजाम किया जा सकता है, जिस प्रदेश के अंदर बेरोजगारों का बहुत बड़ा धरना, उसको फेस किया जा सकता है, जिस प्रदेश में उपचुनाव करवा कर वहाँ भीड़ इकट्ठी की जा सकती है, वहाँ पर रोडवेज के कर्मचारी अगर 8-10 हज़ार इकट्ठे होते तो उससे डरने की जरूरत क्या थी। मैं समझता हूँ डरने की जरूरत थी और वो सही डरे हो, उनको डरना भी चाहिए। हम बदला देना चाहते हैं कि रोडवेज का कर्मचारी है, अगर आप समय रहते अपने इस डर पर काबू करते हुए इनकी समस्याओं का समाधान नहीं किया। थोड़ी संजीदगी से इस बात को कहना चाहते हैं कि अभी वक्त है आपके पास कि आप रोडवेज कर्मचारियों की जो 11 सूत्री में से एक सूत्र आपने स्वीकार कर लिया, 10 सूत्र जो बचे उसको अतिशीघ्र उन समस्याओं का समाधान कीजिए, वरना तो फिर लड़ाई होगी और बिल्कुल होगी, और रोडवेज कर्मचारी पीछे हटना जिंदगी कभी सीखा नहीं, इतिहास बताता है इस बात को। हम चाहते हैं गहलोत साहब रोडवेज कर्मचारियों का इतिहास दोहराने को देखने की कोशिश नहीं करें, बेहतर उनके लिए नहीं होगा और उन कर्मचारियों के लिए भी यही बेहतर होगा, इस निगम के लिए भी बेहतर यही होगा। और इसी वजह से आज जो जयपुर में रैली होनी थी, तो वहाँ से फैसला लिया गया कि जयपुर में चूंकि रैली नहीं होने दी गई, इसमें सारे डिपोज के हेडक्वार्टर पर रैली की जाएगी, प्रदर्शन किया जाएगा, उसी फैसले के तहत आज अलवर के अंदर ये प्रदर्शन किया गया।